हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एंटिटी सेट के बारे में। एंटिटी सेट क्या होता है डीबीएमएस? तो बेसिकली जब हम ईआर मॉडल, ईआर डायग्राम को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमारी एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स और उनमें उनके बीच में रिलेशनशिप या कनेक्शन के थ्रू हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एंटिटी क्या होता है। तो एन एंटिटी रिफर्स टू एनी ऑब्जेक्ट। कोई एंटिटी है वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, आइदर अ फिजिकल एग्जिस्टेंस और अ कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस। या तो उसका फिजिकल या फिर कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। फिजिकल एग्जिस्टेंस में क्या हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन, ऑफिस, हाउस या फिर कार। और कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस में कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कंपनी या फिर जॉब। तो अगर हम इन ईआर डायग्राम की हम बात करें तो लाइक दिस इज़ द एंटिटी, और इन्हीं में से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक पर्सन, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो ये इनके हो गए एट्रीब्यूट लाइक नेम, आईडी, एज, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट आर एसोसिएटेड विद एन एंटिटी सेट। एट्रीब्यूट डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटीज इन एंटिटी सेट। जो एट्रीब्यूट्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को, और बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट एन एंटिटी कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। ओके, इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो फिर नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ एंटिटी सेट। एंटिटी सेट दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एंड वीक एंटिटी सेट। तो जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, सपोज यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो अगर हम इनको एक साथ एक सेट बना देंगे तो ये हमारा एक सेट हो जाएगा। और एक वीक एंटिटी सेट है, वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से डिफाइन करते हैं, या दो वीक एंटिटी हो गए, इनको हमने एक सेट में डाल दिया तो ये हमारा एक एंटिटी सेट हो जाएगा, ये हमारा दूसरा एंटिटी सेट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अपनी डेफिनेशन को, एन एंटिटी सेट इज़ अ सेट ऑफ सेम टाइप ऑफ एंटिटीज। एंटिटी सेट क्या है? सेट ऑफ सेम टाइप ऑफ एंटिटीज, ये होता है हमारा एंटिटी सेट। ओके, तो अब बात आती है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज एन एंटिटी सेट दैट कंटेन सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई एंटिटीज। तो एंटिटी सेट क्या है? एंटिटी सेट दैट कंटेन सफिशिएंट एट्रीब्यूट, जो कि सफिशिएंट एट्रीब्यूट कंटेन करे टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल इट्स एंटिटीज। ओके, और वीक एंटिटी सेट क्या होगा? इट डजंट कंटेन सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई इट्स एंटिटीज। तो बेसिकली वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को और जानने के लिए हम इनके बीच में डिफरेंस स्टडी करेंगे। ये एग्जाम पर्पज से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है? सिंगल रेक्टेंगल इज यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। सिंगल रेक्टेंगल की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज इट कंटेन सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म इट्स प्राइमरी की। ये जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, इसमें सफिशिएंट एट्रीब्यूट होते हैं प्राइमरी की को प्राइमरी की बनाने के लिए, जबकि वीक एंटिटी में हमारे सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं होते हैं प्राइमरी की को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज अ डायमंड सिंबल इज यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप that exist between two strong entities, like ये एक strong entity है, ये भी एक strong entity है, तो एक इनके बीच में जो relationship होगा वो हमें एक diamond की help से represent करते हैं। एक diamond symbol use करके represent करते हैं दोनों के बीच में relationship। जबकि weak entity में क्या होता है? weak entity set में a
डबल डायमंड सिंबल इज यूज्ड, अ डबल डायमंड सिंबल इज यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्ट्रांग एंटिटी एंड वीक एंटिटी. मीन्स ये एक स्ट्रांग एंटिटी है एंड दिस इज द वीक एंटिटी. तो इनके बीच में क्या होगा, जो इनके बीच में रिलेशनशिप होगा वो डबल डायमंड से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप. ओके, ये हो गया हमारा आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप सेट. इसमें एक स्ट्रांग एंटिटी और वीक एंटिटी और हमसे डबल डायमंड सिंबल से हम इनको इनके बीच में रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं. तो ये हुआ हमारा आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप. ओके, सो नेक्स्ट इज अ सिंगल लाइन इज यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कनेक्शन बिटवीन स्ट्रांग एंटिटी सेट एंड द रिलेशनशिप. ये जो एंटिटी है और ये रिलेशनशिप है, इनके बीच में सिंगल लाइन हम यूज करते हैं. जबकि अ डबल लाइन इज यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द वीक एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट. यहाँ पे जो अभी हमने रिलेशन दिखाया है वीक एंटिटी सेट और इसमें रिलेशनशिप सेट में, ये हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इनके बीच में. ओके, लास्ट इज टोटल पार्टिसिपेशन में और में नो एग्जिस्ट इन द रिलेशनशिप. जबकि यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप. एक एग्जाम्पल से इसमें टोटल पार्टिसिपेशन कैसे होता है, एक एग्जाम्पल से हम जानने की कोशिश करते हैं. जो अभी हमने ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, प्लीज़ कॉपरेट. ये वीक एंटिटी सेट हो गया और ये हमारा स्ट्रांग एंटिटी सेट हो गया. तो ये हम डबल डायमंड से, तो ये कहलाएगा हमारा टोटल पार्टिसिपेशन. ये हमारी है वीक एंटिटी सेट, ये हमारी है स्ट्रांग एंटिटी सेट और इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप सेट. ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हमारा बिल्डिंग नंबर, ये हमारा बिल्डिंग का नेम और ये है एड्रेस. ओके, और ये हमारी जो एंटिटी है वो है हमारी बिल्डिंग नाम की और जो और वीक एंटिटी है हमारी अपार्टमेंट. अपार्टमेंट में हमने क्या किया है, एक डोर नंबर, डोर नंबर को हमने एक की बनाया है. जबकि और ये है फ्लोर, तो इसमें क्या है कि जो डोर हमने बनाया है ये एक डिस्क्रिमिनेटर है. ओके, जो हमने भी एक पॉइंट डिस्कस किया था सेकंड पॉइंट, इट कंटेन सफिशिएंट एट्रीब्यूट. जबकि एक सफिशिएंट एट्रीब्यूट कंटेन नहीं करता है, तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है. ये हमने डिस्क्रिमिनेटर या पार्शियल की, हम इसको बोलते हैं पार्शियल की, क्योंकि डोर नंबर जो है वो और अदर अपार्टमेंट में भी सेम हो सकता है. तो हम इसको एक प्रॉपर की बनाने के लिए क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप से बिल्डिंग में जो हमने बिल्डिंग नंबर है ये हमने प्राइमरी की बनाई हुई थी, इसको इसके साथ कंबाइन कर देंगे. डोर नंबर को बिल्डिंग एंटिटी के बिल्डिंग नंबर से कंबाइन कर देंगे तो ये हमारी एक प्रॉपर की हो जाएगी. क्योंकि अब ये इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करिए कि इस बिल्डिंग के इस बिल्डिंग नंबर में ये डोर नंबर है, इस अपार्टमेंट के इस डोर नंबर में, तो ये हमारी अब की बन जाएगी. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.